Subscribe to our channel and press the bell icon. नमस्कार दोस्तों, मैं सिमरन और आप देख रहे हैं द फैक्ट आई। बात करते हैं उन लोगों से जो आज भी लगातार डेरा सच्चा सौदा से जुड़े हुए हैं। क्या नाम है आपका? उषा। आप कितने टाइम से डेरा सच्चा सौदा से जुड़े हैं? दूसरी पातशाही से, परम पिताजी से। तो आप इतने टाइम से इस जगह से, क्या आप लगातार डेरा सच्चा सौदा में आते रहते हैं? बिल्कुल लगातार ही आते हैं। तो आंटी, आप इतना टाइम से इस जगह से जुड़े हो, क्या आपने यहाँ पर कुछ ऐसा देखा जो आपको लगा कि गलत था? बिल्कुल कुछ भी गलत नहीं है, कुछ भी, जरा मात्र भी गलत नहीं है, 1% क्या, आधा % भी गलत नहीं है। क्या वजह है कि इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी आज भी आपको आपके गुरु पर इतना विश्वास है? बेहद बेहद से भी, मैं जितना कुछ कहूँ उससे भी बहुत ज्यादा विश्वास है। क्या वजह है, ऐसा क्या सिखाया है या क्या मिला है आपको आपके गुरु से? बहुत कुछ मिला है जो मैं बता नहीं पाऊंगी। आपका पूरा परिवार इस जगह से जुड़ा हुआ है? बिल्कुल पूरा परिवार, बहू बेटी पोते पोतियां, सारा परिवार बिल्कुल सतगुरु पे दृढ़ विश्वास से भी दृढ़ विश्वास। तो ऐसे अगर कोई ऊपर शब्द हो तो मैं इनको कहना नहीं आता। आपने कहा कि आपका जो पूरा का पूरा परिवार है वो इस जगह से जुड़ा हुआ है, जो आपके गुरुजी हैं वो यहाँ पर, क्योंकि आप इतने टाइम से जुड़े हैं तो आपने उनके सत्संग भी सुने होंगे, किस तरह के काम करने की प्रेरणा देते थे? बहुत ज्यादा अच्छे, बेशुमार, बहुत ज्यादा अच्छा, सारे मानवता भलाई के काम सिखाते हैं। जैसे किसी को ब्लड डोनेट करना है, किसी की शादी करनी है, जो भी जितने भी काम है सारे काम ही सिखाते हैं पिताजी। तो जो आपने कहा कि आपका पूरा परिवार इस जगह से जुड़ा हुआ है, लेकिन जो आप लोग हो उसके बारे में, क्योंकि जब मीडिया में इतना कुछ दिखाया गया, फिर भी अगर आप किसी ऐसी जगह पे जा रहे हो, आप लोगों को कहा गया कि आप अंधभगत हो, क्या कहोगे? बिल्कुल हमें पूरा विश्वास है, हम अंधभगत कैसे हो सकते हैं जब हम इतनी ज्यादा सालों से आ रहे हैं। अंधभगत हम नहीं है, जो कहते हैं वो हो सकते हैं, हम बिल्कुल भी नहीं है। हमारी आंखें खुली हैं, पढ़े बच्चे, बड़े बच्चे हैं जो सब पढ़े लिखे हैं, बहुएं पढ़े लिखे हैं, बेटियां पढ़े लिखे हैं, हम भी कुछ ना कुछ हम भी पढ़े लिखे हैं। ऐसे अंधविश्वास कैसे हो सकता है? हम इस चीज की कुछ भी हो गलत नहीं है, गलत है वो जो कहते गलत है, वो गलत है, हम गलत ना है ना होंगे ना आगे भी कभी नहीं हो सकते गलत। तो कितना विश्वास है आपको आपके गुरु पर? बेमिसाल बेमिसाल बेमिसाल। तो जो आप लगातार डेरा सच्चा सौदा से जुड़े रहेंगे? बिल्कुल जुड़ा रहेंगे, चाहे दुनिया कुछ भी कहे तो भी हम कभी भी नहीं छोड़ेंगे, उससे भी ज्यादा ही जुड़े रहेंगे। धन्यवाद। तो देखिए किस तरीके से इन्होंने कहा कि ये जो दूसरी पातशाही है यहाँ की, वहाँ उनके समय से यहाँ पर जुड़े हुए हैं, आज भी जब ये अपने गुरु को याद कर रहे हैं, इनकी लगातार आंखें नम है। सोचिएगा कि किसी का अगर इतना विश्वास है, उसे किसी जगह से कुछ विश्वास होगा, उसने कुछ ऐसा अनुभव किया होगा, तभी वो आज यहाँ पर आ रहा है। लेकिन इन लोगों की भक्ति को बिना सोचे समझे अंधभक्ति का नाम दे दिया गया था, ये कहाँ तक जायज है? मीडिया ने आपको जो कुछ भी दिखाया और ये लोग जो आपको लगातार जो कुछ भी कह रहे हैं, उन बातों में जमीन आसमान का अंतर है। इन्होंने कहा कि हमारा पूरा परिवार जो अच्छा पढ़ा लिखा है, सब पढ़े लिखे हैं, वो भी लगातार इस जगह से जुड़े हुए हैं, अगर यहाँ पर कुछ गलत होता तो क्या हमें समझ नहीं है कि हमें कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना? सोचिएगा, अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और इसी तरह से सच का साथ देने के लिए जुड़े रहिए द फैक्ट आई के साथ। धन्यवाद।